जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग पशुपति फिनकैप लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था इसके ऊपर वीडियो बनाने को लेकर, तो मैंने इस स्टॉक का अध्ययन किया। अध्ययन करने पे मुझे बहुत ही शॉकिंग अपडेट पता लगा। मैंने देखा कि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार रॉकेट बना हुआ है, लगातार तेजी के साथ ऊपर की तरफ स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, जिसके भागने की वजह से प्राइस तकरीबन अभी 12 रुपए के आसपास पहुंच गया है। सबसे पहले हम लोग चार्ट ही देख लेते हैं इस कंपनी का। देखिए, एक साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस आपकी नजर जहां से पड़ेगी वहीं से आप देखेंगे तो प्राइस उठना ही शुरू हुआ है और बीच में कभी भी इसका प्राइस डाउन नहीं हुआ है। तकरीबन 1 रुपए से इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उठना शुरू हुआ था और 1 रुपए से प्राइस बढ़कर 12 रुपए के आसपास अभी आ गया। बीच में कहीं भी डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ प्राइस नहीं आया है, जहां से देखेंगे प्राइस ऊपर ही आपको गया है। ऐसा देखिए सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक में ही संभव होता है। देखिए, जाहिर सी बात है इसमें पैसा तो कुछ लोगों ने कमाया ही होगा, कुछ लोग अभी भी हो सकता है बाई करने की कोशिश कर रहे हो, बाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो स्टॉक है ज्यादातर अपर सर्किट में चल रहा है और अपर सर्किट में लगने की वजह से ही प्राइस 1 रुपए से लेकर 11 रुपए तक पहुंचा है। तो नए लोग अभी बाई नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहले से माल उठाया है या जिन लोगों ने पहले से इस पर एनालिसिस करके पैसे लगाया वो पैसे बना रहे हैं और आगे भी बना सकते हैं। हालांकि इतने ज्यादा अभी जब प्राइस बढ़ गया है तो इसलिए बाई करना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है, हो सकता है कि आप फंस जाए, बेच ही ना पाए। थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए प्राइस को, थोड़ा सा करेक्शन होने के लिए, जिससे प्राइस थोड़ा सा नीचे, अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे से आके जब प्राइस फिर उठने लगेगा तब आप चाहे तो इसमें बाई कर सकते हैं। हालांकि मेन सवाल ये है कि क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ शेयर के प्राइस के बढ़ते हुए क्रम को देख के हम इसमें पैसा नहीं लगा सकते। हमें ये देखना होगा कि स्टॉक कैसा है, क्या इसमें सब चीज़ ठीक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेटर्स के द्वारा पूर्ण रूप से इसे ऑपरेट किया जा रहा हो। क्योंकि मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे यही लगा कि पशुपति फिनकैप लिमिटेड ये पूर्ण रूप से ऑपरेटर के हवाले स्टॉक है और ऑपरेटर्स के द्वारा गेम खेल के इसके प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फंडामेंटल और कुछ उतना मजबूत है नहीं। सिर्फ 5.5 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ पे बुक वैल्यू भी माइनस में है, प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो यहाँ पे नील है, यानी कि कुछ नहीं है। तो फंडामेंटल तो हमें यहीं पर कमजोर नजर आ गया, आगे और भी चीज़ देखेंगे। काम क्या करती है कंपनी, यदि काम की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है। यहाँ पे देखेंगे तो हाई परचेस जो बल्क डील होता है, बिल डिस्काउंटिंग सिक्योरिटीज ईटीसी में ये डील्स करता है, उसमें ये कंपनी इन्वॉल्व है। यानी कि ओवरऑल बात है कि फाइनेंस के सेक्टर में कंपनी है, लेकिन लोन वगैरह नहीं देता है क्योंकि उतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है। जब क्वार्टर्स के नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए किसी भी क्वार्टर में कंपनी का कोई सेल्स नहीं हो रहा है। कोई भी कंपनी या तो कोई प्रोडक्ट बनाती है या सेवाएं देती है, ये कंपनी सेवाएं देती है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन सेल्स सभी कंपनी का होता है क्योंकि जो भी सेवाएं कंपनी देती है उससे कुछ ना कुछ कंपनी की तो कमाई होती होगी। तो यहाँ पे सेल्स कुछ नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी लॉस में ही है। और इसके अलावा जब आप कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास डेब्ट पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है, 8 लाख से बढ़कर 24 लाख के आसपास कंपनी का डेब्ट हो गया और रिजर्व पैसा भी कंपनी के पास नहीं है, माइनस में फ्री कैश फ्लो। यानी कि ओवरऑल आप ये देख रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल जो है वो धीरे 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 क्या ओवरऑल हमें अभी तक तो यही समझ में आया कि फंडामेंटल शुरू से ही कंपनी का भी क्या और आगे भी मजबूत होने के, स्ट्रांग होने के कोई पुख्ता सबूत यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे हैं। जब कंपनी में आप ये देखते हैं कि कंपनी में प्रमोटर्स हैं कि नहीं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो प्रमोटर्स हैं 11.5% के आसपास उनकी हिस्सेदारी है, यानी कि जो कंपनी के मालिक है जिन्होंने कंपनी को बनाया वो कुछ मात्रा में इस स्टॉक्स में है। लेकिन फिर भी इस स्टॉक पे मेरा पर्सनली भरोसा नहीं जग रहा है क्योंकि पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े बहुत हैं। फिर भी मैं इसमें मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये खुल के कह सकूँ कि आप इसमें पैसे लगाएं। लेकिन मैं पेनी स्टॉक के प्रति ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, उसके प्रति मैं जागरूक रहता हूँ, एनालिसिस भी करता हूँ और काम करता भी है, लेकिन इस स्टॉक को देख के ऐसे नहीं लगता है कि इसमें पैसा लगाया जा सकता है और खासकर एक हैवी अमाउंट इस तरह के स्टॉक्स में लगाया जा सकता है। क्योंकि एक तो मार्केट कैप भी बहुत कम है इस स्टॉक का और मार्केट कैप जब कम होता है तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं इसको मैनिपुलेट करने के लिए, तो इजीली इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है और मैनिपुलेट ही किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सिर पर के स्टॉक का प्राइस लगता है भाग रहा है। हालांकि बिना स्टॉक में ऐसा होता है भागता है, लेकिन अगर भागने के साथ शुरू में ही अगर आपने इसको कहीं पर उठा लिया होता तो आप ठीक था, लेकिन इतने प्राइस के बढ़ जाने के बाद इसको बाई करना ठीक नहीं रहेगा। जिन लोगों ने भी ये सब रेजिस्टेंस के आसपास नहीं पे प्राइस को उठाया होगा, 4 रुपये तक भी जिसने उठाया होगा ठीक है, लेकिन 4 रुपये के बाद अब इतना प्राइस बढ़ गया और यहाँ पर उठाना ये
सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर उठता है तो आप चाहे थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जुआ खेलने के जैसा होगा, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई इसमें नहीं करने की सलाह दी जाएगी। तो बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो जानकारी मैंने दी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।